दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित। इस वर्ष 2023 में होने वाले दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डीडीसी सौ प्रभारी जिला अधिकारी प्रतिभा रानी एवं एसएसपी अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाजार में सोमवार को आयोजित इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, नगर निगम के उपमहापौर नाजिया हसन, अपर समाहर्ता राजेश झा, राजा अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रमा, अतिरिक्त जिला मुख्यालय डीएसपी इमरान अहमद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्य एवं अन्य लोग बैठक में शामिल हुए। इस वर्ष दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर सदस्यों ने बैठक में अपनी अपनी बातें रखी। पानी, बिजली, डीडीटी पाउडर, चुनाव इत्यादि पर्व त्योहार के समय में छिड़कने, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था के लिए नगर निगम से मांग की गई। वही शांति समिति की बैठक के संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पार्किंग व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, जहां पूजा पंडाल लगता है वहां भी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक ढंग से रहे, जिससे पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने यह कहा कि सभी दुर्गा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक है। वही बैठक के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में सदस्यों ने अपनी जो भी बातें रखी उन सभी बातों पर कार्य करने के लिए सभी रूपरेखा को तैयार कर लिया गया है। वही लाइसेंस अप्लाई करने का भी प्रारंभ कर दिया है। पूजा को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसका निदान किया जाएगा। समुचित पुलिसिंग व्यवस्था रहेगी। गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक थी। उसमें सभी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए गए और सभी सुझावों पर हम लोगों ने एक कार्य करने के लिए अपना एक रूपरेखा तैयार कर लिया है। लाइसेंस ऑलरेडी लोग अप्लाई करना प्रारंभ कर दिए हैं। जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, बल सबकी प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। पुलिस बल की कोई कमी नहीं है और हमें उम्मीद है कि हर बार की तरह ये त्यौहार हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक जिले में निकाल। सर, डीजे और जो गाने बजते हैं, कभी कभी भड़काऊ गाने भी बज जाते हैं, कुछ उत्साहित गाने होते हैं, ऐसे के लिए क्या निर्देश है? देखिए, कानून स्पष्ट है, कोई भी ऐसा अगर हमारा यानी कि हम सभी का ये निर्णय हुआ कि जिस तरीके से हमारा ये पावन धरती है, मिथिलांचल का ये धरती है, जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, प्यार का संदेश है, उस संदेश को कैसे बरकरार रखना है, संदेश को कैसे फैलाना है, बस अखंडता और एकता के साथ हम इस पावन को जो दशहरा है, दीपावली है, दुर्गा पूजा, छठ है, ये सबको मिलजुल कर मनाना है, जिसमें बहुत सारी नए नए चीज़ें और सुझाव आए हैं जिस पर हम लोग का पूरा प्रयास रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। आज रहा नगर निगम से जो भी हो पाएगा, जो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं तो उन पर थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश होगा और उनका उनके यानी उनका उनकी उम्मीद पे, उनकी अपेक्षाओं पे खड़े हैं। उनके समय वो पुलिस बल कार्य करेगी, शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा हो, साफ सफाई बेहतर हो, उनके बताओ किसी सब चर्चा किया गया है, बेहतर रहेगा और सही को। जिला स्तरीय जो शांति समिति गठित है उसकी बैठक की गई थी, उसमें सभी सम्मानित जो सदस्य हैं उनके द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में बताया गया। प्राइमरीली ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में और पार्किंग व्यवस्था के संबंध में, लाइटिंग वगैरह, सिक्योरिटी, इन सब बातों पे चर्चा रखी गई और कहा गया कि इन व्यवस्थाओं में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। जहाँ बड़े पूजा पंडाल लगते हैं और उसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है, तो वो सब चीज़ों को देख लेने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अलावा जो है हमारे न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा, वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट,
दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं, दरभंगा के लिए आते हैं। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी को इन्वॉल्व।